इरिगेशन का। आज अपन पढ़ेंगे फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? तुम लोगों को मैंने डेफिनेशन बताई थी, फील्ड कैपेसिटी होती क्या जल्दी से बता दो। ये आप बोलना वाटर कंटेंट, डेफिनेशन बताना। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? जल्दी से सॉइल कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, एकदम करेक्ट है। सॉइल, ये क्या होती है? सॉइल कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो अब इसका देखो, फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल इनटू 100। और डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ वाटर कितना होता है? टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉइल करोगे तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। वे डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट ऑफ, एक मिनट इधर थोड़ा सा करेक्शन है, वेट ऑफ सॉइल नहीं है, वेट ऑफ वाटर है। डब्ल्यू है टोटल वेट, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट। परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जल्दी से बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट? What do you mean by permanent melting point? जल्दी से आंसर दो इसका। व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट? एनीवन, उस दिन मैंने डेफिनेशन बताई थी, इसलिए पूछ रहा हूं परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। वो पॉइंट जिसके नीचे पानी अवेलेबल तो है सॉइल के अंदर पर वो रूट जोन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसे बोलोगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और अगर उससे ऊपर है, जो उससे ऊपर जो भी होगा, उस पॉइंट से ऊपर, वो पानी रूट जोन के लिए अवेलेबल होगा। और फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जितनी भी, मतलब वो अवेलेबल वाटर होगा, मतलब जो भी वाटर प्रेजेंट होगा उसे बोलोगे अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर वो होता है जो रूट जोन के लिए प्रेजेंट होता है। रूट जोन पानी मतलब एब्जॉर्ब, प्लांट को पानी एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पर पानी अवेलेबल है। ये देख लो, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और विल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल दैट द प्लांट रिक्वायर्स नॉट टू विल्ट। PWP इज इक्वल्स टू वेट ऑफ मॉइस्चर हेल्ड बाय द सॉइल व्हेन द प्लांट गॉट परमानेंट विल्टेड। When the plant got permanent wilted, divided by weight of the dry soil, ये होता है permanent wilting point का फॉर्मूला। अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब ये केवल एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये याद रख लेना। और रेडिली अवेलेबल वाटर होता है 0.75 इंटू अवेलेबल वाटर, या फिर बोल सकते हो 0.75 इनटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब इसका ब्लॉक डायग्राम सुनना। सबसे पहला आता है अपने पास, यहां पर देखो इस साइड देखना, ग्रेविटेशनल वाटर। फिर आएगा कैपिलरी वाटर जो कैपिलरी एक्शन से चढ़ता है। फिर आएगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये पानी कुछ भी काम का नहीं है, बस केवल प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, पर ये रूट जोन के लिए कुछ काम नहीं आएगा। अब ये देखो, ये है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट,
परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के ऊपर होता है रेडिली अवेलेबल वाटर, रेडिली अवेलेबल वाटर और फील्ड कैपेसिटी के बीच, नहीं क्या ये वाला परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के ऊपर जो भी होगा वो क्या होगा, अवेलेबल वाटर। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, DW अपॉन CU, DU हो जाता है डेप्थ ऑफ द रूट जोन। डेप्थ ऑफ रूट जोन किसे किसे डिनो किसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, S इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, या फिर कह सकते हैं S इंटू डी इंटू अवेलेबल वाटर। तो ये क्या बोलते हैं अपने पर, S होगा इसके अंदर ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और डी होता है डेप्थ ऑफ द सॉइल मास। अब ये वाला क्वेश्चन सुनना और ये क्वेश्चन तुम लोग नोट डाउन करना, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है इसलिए कह रहा हूं, मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा, जब नोट डाउन कर लो जब मुझे बोल देना कि नोट डाउन कर लिया जब मैं आगे मूव करूंगा। पहले देखो क्वेश्चन समझना फिर नोट डाउन करना। Wheat is to be grown in the field having field capacity 27%. कितनी है field capacity? 27%. Permanent wilting point है 13%. Find the storage capacity in 80 centimeter depth of soil if the dry unit weight of the soil is 1.5 gram per cc. If the irrigation water is to be supplied when the average soil moisture falls to 18%. Find the water depth required to be supplied. इसके अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फील्ड कैपेसिटी का परसेंटेज दिया हुआ है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट का परसेंटेज दिया हुआ है। तो पास अपने पास अवेलेबल वाटर आ जाएगा और अपने पास ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है सॉइल का 1.5 ग्राम पर सीसी, डेप्थ ऑफ सॉइल दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। सर आपकी आवाज फट रही है, आवाज कट रही है, फट रही है, फट रही इको हो रहा है, इको इको। एक मिनट होल्ड रख लो। हाँ अब आवाज क्लियर आ रही है। हेलो हाँ सर, हाँ आप क्लियर आ रही है ना। हाँ तो अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, फील्ड कैपेसिटी गिवन है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट गिवन है, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब 80 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सोयल तक अपने पास गिवन है, मतलब 1 मीटर डेप्थ के अंदर 80 सेंटीमीटर पानी अवेलेबल है। इफ द ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट कितना गिवन है, 1.5 ग्राम पर सीसी। मतलब अब देखो इसके अंदर सॉइल फॉल्स, मतलब सॉइल फॉल्स मतलब इसका 18% पानी कम हो गया है दूसरे वाले पार्ट में। Find the water depth required to be supplied in the field. सबसे पहले निकालोगे maximum storage capacity या available moisture या available water. Available water होगा rho d, नहीं ये इसका बोलते हैं gamma d into field capacity minus permanent building point. Permanent building point ये वाला available water upon rho gamma w. तो इसका बोलता है गामा डी दिया हुआ है, मतलब ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है 1.5 और इसका डेप्थ कितनी है 80 सेंटीमीटर तक पानी अवेलेबल है 0.27 माइनस 0.13 अपॉन 1 क्या है ड्राई यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 16.8 सेंटीमीटर। पार्ट बी में मूव करते हैं, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू द फील्ड इज इक्वल्स टू रो गामा डी माइनस इनटू फील्ड कैपेसिटी माइनस रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। अगर फील्ड कैपेसिटी को रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडिली अवेलेबल वाटर आता है, और फील्ड कैपेसिटी को परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड मतलब क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा अवेलेबल वाटर। तो अपने पास क्या बोलते हैं गामा डी दिया हुआ है 1.5 इंटू 80 क्या है डेप्थ ऑफ वाटर एट द मतलब एक मीटर क्यूब में, एक मीटर में
80 सेंटीमीटर पानी अवेलेबल है, तो इसका 80 आ जाएगा, और 0.27 माइनस 0.18 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू, ये अपने पास आ गया डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू बी सप्लाई टू द फील्ड है 10.8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया मुझे ये बताओ, मैं तो वापस एक्सप्लेन करता हूँ। अरे नोट डाउन करो जल्दी से। अरे सर जी, गामा डब्ल्यू क्या है? गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, 1 होता है। ओ सर, आरएम रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। ओके सर, देखो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट रुकना। पीडब्ल्यूपी का भी लिखते सर, एक मिनट रुक जा। पीडब्ल्यूपी परमा, पता है तुम लोगों को, परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, इसका लिख रहा हूँ आरएम का। ठीक है, आर एम है रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, दिख गया। ये मेन अटेंडेंस नहीं है, पर ये याद रखना मैं एक रैंडम अटेंडेंस ले रहा हूं, तो जो प्रेजेंट है वो यस बोलेगा, ठीक है ना। आदित्य सुथार, यस सर। अली हैदर, अली हैदर सर। नित व्यास प्रेजेंट सर। अंजलि व्यास, अशरफ अली, यस सर। आयुषी माथुर, यस सर। दीपेंद्र, प्रेजेंट सर। देवांग दवे, प्रेजेंट सर। ध्रुव प्रताप सिंह भाटी, प्रेजेंट सर। दीक्षिता शर्मा, प्रेजेंट सर। डिंपल राठौर, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु सिंह भाटी, दिव्यांशु सिंह भाटी, वापिस रिपीट कर रहा हूं, दिव्यांशु सिंह भाटी, गर्विक परियार, प्रेजेंट सर। गौरव गौड़, यस सर। अरुण, यस सर।
हर्षित सोनी, हर्षित सोनी, हर्षित सोनी, प्रदीप सांकला, प्रदीप सांकला, यस सर, प्रवीण पूनिया, यस सर, राहुल देवड़ा, यस सर, राहुल सिंह परमार, यस सर, राजेंद्र कृष्ण चौधरी, यस सर, रक्षित दवे, यस सर, रवि कुमार जांगिड, रवि कुमार जांगिड, यस सर, ऋतिक चौहान, यस सर, रुचि शर्मा, रुचि शर्मा, रुचि शर्मा, संजय मोहम्मद खान, संजय मोहम्मद खान, संजय मोहम्मद खान, सनु शर्मा, प्रेजेंट सर, शहजान, प्रेजेंट सर, शहजाद अली भाटी, यस सर, सोहेल खान, यस सर, तेजिंदर, यस सर, वरुण शर्मा, प्रेजेंट सर, विजय लक्ष्मी, प्रेजेंट सर, विपिन नागौरी, प्रेजेंट सर, विपिन नागौरी प्रेजेंट, विपुल वर्मा, विपुल वर्मा, नमन दादीच, प्रेजेंट सर, नवीन रमाणी, प्रेजेंट सर, निरंजन सिरवी, निरंजन सिरवी, निष्ठा भारद्वाज, प्रेजेंट सर, मानव, प्रेजेंट सर, मनोज कुमार, मनोज कुमार, मयंक पाटी, प्रेजेंट सर, मुकुंद व्यास, प्रेजेंट सर, नकुल सेन, प्रेजेंट सर, कुशल अग्रवाल, प्रेजेंट सर, ललित चौधरी, प्रेजेंट सर, लक्ष्मण सिंह, प्रेजेंट सर, लोकेश समरिया, लोकेश समरिया, जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, केशव व्यास, प्रेजेंट सर, कुलदीप गहलोत, प्रेजेंट, कुणाल परियार, प्रेजेंट सर, आमिर बात सुनो, इन जिन्होंने भी अटेंडेंस में नाम नहीं बोले पर यहाँ पर प्रेजेंट शो कर रहा है, आगे ये नाम जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये याद रखना कि कोई भी क्लास में रोज की रेंडम अटेंडेंस होगी किसी भी क्लास के अंदर, तो ये याद रखना कि तुम लोग अगर मतलब मोबाइल चालू छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हारे यहाँ पर मार्किंग हो रही है और वहां पर अगर कॉलिंग हो सकती है घर पे। सर मेरा नाम नहीं आया, रमन डूडी, क्या सर मेरा नाम नहीं लिया आपने? रमन डूडी इसके अंदर आया भी नहीं है, ठीक है रमन डूडी वो ठीक है प्रेजेंट, ओके मैं लगा दूंगा उसमें, मैं एंडिंग में लूंगा वापस अटेंडेंस, मेन अटेंडेंस एंडिंग में लूंगा, ये रेंड, अरे मैं मेन अटेंडेंस एंडिंग में लूंगा, ये रैंडम अटेंडेंस थी, ठीक है ना? ये याद रखना, मोबाइल चालू छोड़ के मत चला जाना।
क्योंकि बीच में किसी भी समय रैंडम अटेंडेंस हो सकती है। ठीक है, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। ये कर लिया तुम लोगों ने ये वाला न्यूमेरिकल? यस सर। लिख लिया? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, डेप्थ ऑफ वाटर इन द रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी आर 0.5 मीटर पर मीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल। अब ये देखो मेरे बात सुनो, जब मैंने उस समय पहले बोला था तो पानी अवेलेबल कितना था? 80 सेंटीमीटर पे था। यहाँ पर इसने क्या बोला? 50 सेंटीमीटर, मतलब पर मीटर डेप्थ। हमेशा जब भी लोगे सॉइल का मॉइस्चर, मतलब सॉइल में मतलब मॉइस्चर लोगे तो पर मीटर डेप्थ पे लोगे। ये आगे क्वेश्चन के अंदर ही लिख लिया है। और दूसरा है 0.2 मीटर पर मीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल। फील्ड कैपेसिटी कहां पर है? 0.5 पे। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहां पर है? 0.2 पे। फाइंड फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट किस में निकालना है? परसेंटेज में। टेक गामा डी इज इक्वल टू 13.73 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये लिख लो, 13.73 पर मीटर क्यूब। अब सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल इज इक्वल टू DW1 लिया है 0.5 मीटर। अब देखो, फिर आएगा डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल DW2। ये कितना रहेगा? 0.2 मीटर। डेप्थ ऑफ सॉइल कितनी है? डी है 1 मीटर। रो डी कितना है? 13.73। यहां पर देखो, ऊपर तो कट गया था, यहां पर देख लो 13.73 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द रूट जोन करस्पॉन्डिंग टू फील्ड कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो इसका फॉर्मूला होता है rho w into dw1 into 1 डिवाइडेड बाय rho, क्या बोलते हैं, गामा डी इंटू डी इंटू वन। इधर है, मतलब क्या बोलते हैं, गामा डब्ल्यू कितना लिया इसने? 9.81, क्योंकि यहाँ पर अपने पास किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ गया है। तो यहाँ पर अपने 10 नहीं लेके, मतलब वहां 1 था तो यहाँ पर 10 आएगा, 10 नहीं लेके इसने 9.81 लिया है इंटू 0.5 इंटू 1 अपॉन 10 अपॉन 13.73 इंटू 1 इंटू 1। अपन ये भी कर सकते हैं कि अपने क्या बोल सकते हैं कि अगर 10 भी ले लोगे तो कोई गलत नहीं है, 9.81 लोगे या 10 लोगे, दोनों ही सही है। तो 0.5 आंसर है 35.72 फील्ड कैपेसिटी आई। अब परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के अंदर क्या होगा? DW2 इसलिए लिया क्योंकि परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट की वाटर डेप्थ कितनी है सॉइल के अंदर? 0.2 है। तो अपने पास वही फॉर्मूला रखोगे और उसके अंदर ये वाली चीज रख के रख सकते हो। तो अपने पास परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट कितने आ गया? 14.29%। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट निकाल दिया, फील्ड कैपेसिटी निकाल दिया, तो फिर ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 13.72 आया था अपने पास, डिवाइडेड बाय 2.5 करोगे तो देख लो एज इट इज सेम आ रहा है ये वाला और ये वाला। अब ये याद रखना कि ये शॉर्ट ट्रिक केवल मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुम लोग आरटीयू के हिसाब से करोगे तो ये चीज सही नहीं है। अब मेरे बात सुनो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो जल्दी से। विजिबिलिटी तो है क्वेश्चन की? विजिबिलिटी है ना, तो जल्दी से नोट डाउन करो इसको, फिर आगे मूव करता हूं।
नोट डाउन कर लिया? नहीं सर, कर रहे हैं अभी, करो जल्दी। जल्दी करो, एक और क्वेश्चन करवाना है। इसके तीन है, सॉइल वाटर रिलेशन में। इस टॉपिक का नाम है जो मैंने आज पढ़ा है, सॉइल वाटर रिलेशन, ठीक है ना? हो गया नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं? सर इसके अंदर स्क्रीन चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन सुनना, एक अपने पास क्या है, 800 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज सप्लाइड टू अ राइस फील्ड। मतलब कितने मीटर क्यूब पानी है, कितना वॉल्यूम सप्लाई किया, 800 मीटर क्यूब। और राइस फील्ड ऑफ एन एरिया हेक्टर कितना दिया हुआ है, मतलब कितना एरिया दिया हुआ है, 0.6 हेक्टर, या फिर बोल सकते हैं 0.6 × 10⁴ मीटर स्क्वायर। व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल फॉल्स टू 40%, मतलब पानी, मतलब मॉइस्चर कितना गिर गया, 40% तक गिर गया, ऑफ द अवेलेबल वाटर बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉइल क्रॉप कॉम्बिनेशन। फील्ड कैपेसिटी कितनी दी हुई है, 36%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, 15%। डिटरमाइन द फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी एंड रूट जोन डेप्थ ऑफ द राइस कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। पोरोसिटी कितनी दी हुई है, 0.4 इजिकल्स टू 40% पोरोसिटी गिवन है। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो इसके अंदर गिवन हेक्टर दिया हुआ है, पोरोसिटी गिवन है, वाटर सप्लाइड मतलब अपने पास डिस्चार्ज गिवन है, 800 मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब देखो पोरोसिटी निकालने के लिए वाला फॉर्मूला, ये वाला रिलेशन तुम लोगों ने सॉइल के अंदर पढ़ा होगा। इसके अंदर अपन ने क्या निकाला है, वाटर मतलब WW अपॉन WD, WD क्या है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल। इसका आपने इस चीज में रिलेशन निकाला है, दोनों के कितने बराबर आ गया, 0.36, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पे 0.36 = 0.4 × गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी। गामा डब्ल्यू भी पता है तुम लोगों, गामा डी भी पता है, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू = 1.11, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। अब अपन नॉर्मल वे में मूव करते हैं। रेडिली अवेलेबल वाटर तुम लोगों को मैंने जब पढ़ाया था, जब मैंने ये लिखाया था कि 0.5 से लेके 0.6 तक होता है, यहाँ पर अपने 60% ले लिया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 60% गिवन है। तो 60% गिवन है तो मतलब 40% सॉल्व हुआ है, तो कितना हो गया, 60% हो गया। तो अगर अवेलेबल वाटर का 60% है तो रेडिली अवेलेबल वाटर आ गया। रेडिली अवेलेबल वाटर से डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन टू रेडिली अवेलेबल वाटर तक अपन निकाल सकते हैं, ये वाला। तो इसका फॉर्मूला होता है S into D into RAW।
तो ये वाला होगा ए अवेलेबल वाटर इज इक्वल्स टू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इनटू डी डब्ल्यू अपॉन डी इनटू वन इनटू वन वन इसलिए लिया है डेप्थ ऑफ व्हाट डेप्थ ऑफ सॉइल इन वन मीटर डेप्थ ठीक है ना इनटू रेडिली अवेलेबल वाटर ये अपने पास देखो ये रो क्या बोलते गामा डी अपन गामा डब्ल्यू 1.11 है जो अपन ने सॉल्व करने से निकाला गामा डी डी डब्ल्यू है 60 इनटू वन डी कितनी है डेप्थ कितनी है वन और वन मीटर पर मीटर डेप्थ पे है तो ये वाला हो गया और रेडिली अवेलेबल वाटर अपन ने निकाला था 0.126 दैट इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर आप देखो 8.4 मीटर नहीं सॉरी 8.4 सेंटीमीटर तो अपन ने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.084 आ गया मीटर में तो डेप्थ इतनी मतलब इतनी डेप्थ पानी अवेलेबल है आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे 0.084 इनटू हेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 504 मीटर क्यूब ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो जब तक मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ क्वेश्चन लिखा सर क्वेश्चन नहीं लिखा क्वेश्चन छोड़ दो अभी पहले ये सॉल्यूशन लिखो मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा अगर तक अटेंडेंस लेना तो पहले सॉल्यूशन लिख लो क्वेश्चन की जगह छोड़ दो अंदर ललित चौधरी लक्ष्मण सिंह राजेंद्र
57 लक्ष हम एब्सेंटीज के नाम बोल रहा हूँ, सुन लेना। आकाश अभिषेक सिंह राजपुरोहित माइक ऑफ कर। अभिषेक सिंह राजपुरोहित अंकुर पुरोहित अनुराग माथुर चिराग सेन गुप्ता दिव्यांश माथुर हर्षित चांडक होशियार सिंह दयाल जुनेद लोकेश किची पारस सारण और विशाल जांगिड। ठीक है, और मैं अब क्वेश्चन तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया सर? अभी बाकी थोड़ा सा एक क्वेश्चन नोट डाउन कर। अरे तो लो पहले उतार लो तो फिर क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। और आज की क्लास में जो भी डाउट हो मुझसे कल स्टार्टिंग में पूछ लेना, ये न्यूमेरिकल कर लेना इंपॉर्टेंट है। गेट के अंदर भी आता कंपटीशन, मतलब कोई भी कंपटीशन के अंदर भी आएगा और ये अपने तुम्हारे इसके अंदर भी आएगा बीटीयू के अंदर भी। क्वेश्चन ओपन करूं? यस सर, क्वेश्चन ओपन कर लो। हाँ ये लो, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो।
हो गया नोट डाउन कर लिया? नो सर, कर रहे अभी। करो फिर, मैं क्लास और करता हूँ। और ये क्वेश्चन ढंग से तीनों समझना और मुझसे कल पूछ लेना इसमें क्या डाउट आ रहा है। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल तो कंस्ट्रक्शन भी है। सर जिसका नोट डाउन हो गया वो लीव कर दे। हाँ लीव कर दो जिसका नोट डाउन हो गया।